आपने किसी को चोट पहुंचाई हो, आपको याद नहीं रहता, लेकिन सामने वाले को याद रहता है, और जब वो याद रहता है तो वो बदला भी लेता है, और हो सकता है इस वक्त वो इसी घर में हो और शायद वही आया हो बदला लेने के लिए। तुम इतना कैसे जानते हो इन लोगों के बारे में? हाँ, क्योंकि मैं ही ऋषभ को मारना चाहता था। गुड जोक, लेकिन मुझे आपकी एक बात सही लगी कि हो सकता है ऋषभ लोथा ने अपने बिजनेस में किसी को फाइनेंशियल चोट दी हो और वो उसे भूला नहीं हो, उसका बदला लेना चाहता हो और उसी ने ये अटैक करवाया हो। नाउ यू गॉट इट। चलिए इसी बात पे FIR चल के लिखवाते हैं। मैं भी चलूंगी साथ में। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं भी चलूंगी अर्जुन साथ। अरे गर्लफ्रेंड, जो मैंने कहा था ना, मेरा एक ही बॉयफ्रेंड था, तू अब नहीं रहा। अरे हाँ, मैं तुझे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। ठीक है, मैं ये काम कंप्लीट करके आता हूँ, उसके बाद प्यार भरी बातें करेंगे। थैंक यू जीता रे पुत्र। मैं भी जल्दी मिलती हूँ आपसे दादी। अरे पुलिस स्टेशन चलना है ना। ओ इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट तो सब्र करो ना, कुछ जरूरी बात करनी, उसके बाद जहाँ मर्जी जिस स्टेशन पे चाहिए ले जाना। चलो। क्या हुआ? तुझ पे मेरा दिल आ गया। अरे तो मेरा भी दिल आया आप पे, लेकिन ऐसे चोरी छुपे मिलने की क्या जरूरत है? मेरा नहीं, इस लड़की का। तो देखता नहीं है कैसे घूर घूर के देख रही है? वो मेरी बस दोस्त है और कुछ नहीं है। ये दोस्त वोस्त कुछ नहीं होता, तू समझता नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाती। अरे मेरी गर्लफ्रेंड, वो बस मेरे साथ काम करती है, मेरी कलीग है, सिर्फ दोस्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, जैसा कि आप सोच रही हैं। ओके, पक्का? जी एकदम पक्का। ठीक है, आता। चलिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप टेंस्ड हैं प्रीता जी। किसी ने कुछ कहा आपसे, कुछ प्रॉब्लम या कुछ शेयर करना चाहती हैं? तो फिर आप इतनी चुपचाप क्यों हैं? आई मीन, तुझे आप चाहती थी कि मैं यहाँ पर रुकूं आपके पास और अर्जुन यहाँ से चला जाए तो, है ना? हाँ, मैं यही चाहती थी। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि घर वालों को आपकी जरूरत है। मिस्टर सूर्यवंशी हो ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। मुझे लगा आप, वो अर्जुन कह रहा था कि आपको आपकी चोट पे खून निकल रहा था, मैं ऑइंटमेंट मैं लगा लूंगी। इतनी बड़ी चोट नहीं है, कुछ खास नहीं है, मैं कर लूंगी। वैसे एक बात कहूं, आपने जब आप मिस्टर सूर्यवंशी को मेरा ख्याल रखने के लिए यहां छोड़कर गए थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मैं अनकंफर्टेबल, मतलब कि मुझे पता नहीं क्यों उससे। इट्स फाइन प्रीता जी, इट्स फाइन, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे समझना चाहिए था कि आप उसके सामने कितनी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। वो उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई ना कि आपको चोट लग गई थी, ऊपर से इंस्पेक्टर आ गया और फिर अर्जुन ने मुझे पूछा कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए और मैं ना नहीं कह सका। आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर उसकी जगह कोई डॉक्टर होता तो वो अगर आपको ट्रीट कर रहा था तो आप इतनी अनकंफर्टेबल नहीं होती, मैं ये भी जानता हूँ। इट्स माय बैड, आई एम सॉरी। ऋषभ जी, मैं क्या बताऊँ आपको कि मुझे क्या फील हो रहा है, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही। जब भी ये अर्जुन आसपास होता है तो मुझे क्या हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। आप कुछ सोच रही हैं?
नहीं मैं अभी आई जी। मैं भी कभी कभी क्या करता हूँ यार। अर्जुन मैं अपनी गाड़ी निकालती हूँ ना। मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करूंगा। हम भी अपने जीप से जाते हैं, चलिए फिर वहीं मुलाकात होगी। अर्जुन स्लो ड्राइव करना प्लीज। थैंक गॉड गाड़ी यहां से चल पड़ी। पृथ्वी पुलिस के हाथ लगने से बच गया। गाड़ी क्यों रुक गई? ये पहुंच गया या रोड पे कहीं रोका है? कार से उतरा मतलब घर पहुंच गया। हेलो यहीं उतर जाता हूं, यहां से अपनी चौल 5 मिनट में चल के चला जाऊंगा। एक्चुअली मैं ऑन द वे राइट नाउ। इस लड़के में ना कुछ तो बहुत अजीब है। ही इज वेरी स्ट्रेंज। बट यहां तो कोई नहीं, फिर आवाज कहां से? पुलिस, ओ गॉड, पुलिस को भी अभी आना था। एक काम करता हूं, इसी की गाड़ी के डिक्की में छिपा रहता हूं, बच जाऊंगा। ए यू मिस अंजलि, बातें तो बड़ी तेज तेज करती हो, गाड़ी बड़ी स्लो चलवाती हो। मैंने ही ड्राइवर से कहा था कि स्लो ड्राइविंग इज सेफ ड्राइविंग। मुझे लगता है कि तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी चाहिए स्लो ड्राइव करने की। तेज चलाने का मजा ही अलग है भाई। हाँ सही बोला इसने, इसे ना स्लो ड्राइविंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसे तूफान की तरह चलाता है। ये सिग्नल ग्रीन कब होगा? ठीक है सबको पकड़ लो, तब तक मैं साहब को इन्फॉर्म करता हूँ। मिस्टर सूर्यवंशी आपके लिए गुड न्यूज है। क्या? लुथरा हाउस में जो भी गुंडे थे वो पकड़े गए। राजा विष्णु और बंटी और भी कुछ साथी, मैंने साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया है। सुपारी देनी। किसकी? ऋषभ लुथरा की। क्या हो गया? पता नहीं, मम्मी जी आ गए। महेशी अब सब आ गए, बताइए क्या बात हो गई? हाँ सब आ गए, ऋषभ नहीं आया ना, अभी आना तो दो। वैसे अभी क्या हुआ ऋषभ का? चाचू बुला दिया, ऑन द वे आ रहे। अरे बेटा साथ लेके आना चाहिए था ना।
आगे क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ पर ऑल ओके? हाँ हाँ बेटा सब ओके। क्या हुआ डैड? अरे कुछ घबराने वाली बात नहीं है, इनफैक्ट खुशखबरी है। क्या? वो जो गुंडे हैं पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है। विष्णु का वॉलेट आपके कॉरिडोर में मिला है, इसका मतलब ये यहाँ पे आया था। ये कोई चोरी करने के इरादे से नहीं आया होगा, जरूर ये किसी को मारने ही आया होगा। डैड मैं आता हूँ अभी। अरे तू कहाँ जा रहा? ऐसा टेंशन मत लो, मैं सिर्फ इंस्पेक्टर के पास जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है, उनसे कुछ बात करनी है, मैं आता हूँ अभी। अरे बेटा तुझे सिर्फ यही पता करना है ना कि वो जो गुंडे हैं उन्होंने हमारे घर को क्यों चुना डकैती के लिए, हा? और ब्ला 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 बेटा जरूरत नहीं है। वो जो अर्जुन है ना उसका फोन आया था, उसने मुझे बताया कि वो इस मैटर को हैंडल कर लेगा। उसने मुझसे ये भी कहा है कि ऋषभ से कहना उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो है और वो सब कर लेगा। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप एकदम सही कह रहे हो दादी, वो तो इस फैमिली का भी नहीं है, बाहर का है, फिर भी एकदम फैमिली मेंबर जैसा बिहेव किया उसने। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह है। बाहर वाला कहाँ है? वो कितनी हेल्प करता है हमारी, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है अर्जुन, जैसे एक फैमिली मेंबर खड़ा रहता है। बिल्कुल उसी तरह से भाभी उसे अपना बेटा मानती है। और करण के जाने के बाद जब भी ऋषभ और अर्जुन को साथ में देखती हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे ऋषभ को एक छोटा भाई मिल गया। क्या आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अर्जुन करण की जगह नहीं ले सकता है, वो करण जैसा नहीं है, करण जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। तो फिर उसका कंपैरिजन क्यों हो रहा है करण के साथ? कोई घरवाला नहीं है, कोई घर का बेटा नहीं है वो। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि जो मैं हमेशा कहती हूं, कुछ अजीब है उस इंसान में, मुझे तो ठीक ही नहीं लगता है, कुछ गड़बड़ है। आदि आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी। सृष्टि कम से कम तू तो कुछ मत बोल। आप लोग प्लीज प्रीता की बातों का बुरा मत मानिएगा। लोग अक्सर यही समझते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। करण के जाने का दर्द वो जख्म कभी नहीं भरेगा। प्रीता और करण तो ना सिर्फ पति पत्नी थे लेकिन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, हम सफर थे। मुझे लगता है कि हमें प्रीता का दर्द समझना चाहिए। प्रीता का दर्द हम हमेशा से समझते आए हैं लेकिन कभी उसने हमारे दर्द को समझने की कोशिश की है? करण इस घर का बेटा था, हम भी करण से बहुत प्यार करते हैं भाभी। अर्जुन एक बहुत अच्छा लड़का है, कितना कुछ करता है वो हमारी फैमिली के लिए। मुझे तो अर्जुन बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लड़का है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि करण भाई की डेथ के बाद प्रीता भाभी अभी भी बहुत सदमे में, उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए इस सब से गेट ओवर करने के लिए। क्या वो? अर्जुन तुमने सुना नहीं क्या उस कांस्टेबल ने क्या कहा? उन्होंने राजा विष्णु और बंटी को पकड़ा है। राजा वही है ना सुपारी किंग जो हमारे घर आया था? अगर तुम अंदर जाओगे तो वो तुम्हें पहचान लेंगे ना अर्जुन। ऑफ कोर्स पहचान लेंगे, लूथर हाउस में उसने मुझे देखा था और इसी बात का तो डर है कि अगर उसने मेरे अतीत के बारे में सबको बता दिया, नहीं अगर मेरा अतीत सबके सामने आ गया तो मॉम डैड सबको सब कुछ पता लग जाएगा। आई कांट लेट दैट हैपन। अंजलि तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाके पता करता हूँ गुंडों से कि उन्हें क्या पता है क्या नहीं। ओके आई विल बी बैक। अर्जुन मेरी बात तो सुनो प्लीज। अंजलि प्लीज हैव सम पेशेंस, आई विल बी बैक। अर्जुन बहुत टाइम हो गया कार रुके हुए, लगता है उसने कार यहाँ कहीं पार्क की है। एक काम करता हूँ,
देखता हूं, देखूं तो सही कहां है ये। ओ गॉड, जिस पुलिस से मैं भाग रहा था गली गली, आपने पहुंचा दिया मुझे उसी पुलिस की गली। अर्जुन, अर्जुन ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। हाँ, अभी वो पुलिस स्टेशन के अंदर गया है, वो राजा बंटी और विष्णु के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करने के लिए। वो कहता है कि अगर वो अंदर नहीं गया तो उसका अतीत जो है वो सबके सामने आ जाएगा, और उससे उसके आज और आने वाले कल पे बहुत बुरा असर हो सकता है। क्या पता शायद लूथराज के सामने उसकी असलियत आ जाए, इसीलिए। ये लड़की बोल क्या रही है, और अर्जुन का कौन सा अतीत है? राजा और विष्णु की वजह से उसका आज और आने वाला कल क्यों अफेक्ट करेगा? कहीं अर्जुन राजा और विष्णु को जानता तो नहीं है? नहीं नहीं पृथ्वी, अगर तू अभी यहां से निकल गया ना, तो तेरे हाथ से अर्जुन का राज भी निकल जाएगा। उन लूथराज और इस सूर्यवंशी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, ये तुझे कभी पता नहीं चल पाएगी। लेकिन यहां रुकने में भी तो खतरा है। कोई गार्डन या पार्क तो नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। पर मैं भी तो पृथ्वी मल्होत्रा हूं, हर खतरे से लड़ सकता हूं। खतरे का कोई खौफ नहीं है मेरे दिल में। घुस जा सांप के बिल में, पुलिस स्टेशन में। इसका खेल मैं ही खत्म कर दूं। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप एकदम सही कह रहे हो दादी, वो तो उस फैमिली का भी नहीं है, बाहर का है, फिर भी एकदम फैमिली मेंबर जैसे बिहेव किया उसने। हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है अर्जुन। जब भी ऋषभ और अर्जुन को साथ में देखती हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे ऋषभ को एक छोटा भाई मिल गया। प्रीता, तू अर्जुन की बातों पे इतना रिएक्ट क्यों करती है? तुझे तो पता है मैं उसे अपना पोता मान चुकी हूँ, पता है ना तुझे? घर के सारे लोग उसे पसंद करते पुत्र, सिर्फ तू ही नहीं पसंद करती। वो अच्छा लड़का है पुत्र, मुझे तो लगता है वो इस परिवार का हिस्सा है। पता कृतिका क्या कहती है, क्या मैं उसे भाई बोल सकती हूँ? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन पुत्र तू ये मत समझ कि वो करण की जगह ले रहा है। याद रख, करण की जगह कोई भी नहीं ले सकता पुत्र। करण तो हमारी जान था, करण तो करण ही है ना पुत्र। लेकिन पता नहीं क्यों, जब भी मैं उसे देखती हूँ ना अर्जुन को, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है पुत्र। पता नहीं ऐसे लगता है कि अपना है, उसके साथ कोई पुराना रिश्ता है मेरा, बहुत अटैचमेंट है पुत्र उससे मेरे। इतना बुरा नहीं है पुत्र, समझ, इतना बुरा नहीं है वो पुत्र। पता है मुझे वो ज्यादा अच्छा क्यों लगता है? तुझे याद है करण मुझे गर्लफ्रेंड बुलाता था, याद है ना? ये भी मुझे गर्लफ्रेंड बुलाता है पुत्र। उसको देख के मुझे लगता है मेरा करण मेरे पास है। मुझे लगता है ये करण की छवि है कहीं ना कहीं। मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरी बहुत अटैचमेंट है उससे। देखो तुझे जो करना है ना तू कर, जो करना है, लेकिन मुझे मत रोकना। मैं नहीं रुकूंगी पुत्र, मैं नहीं रुकूंगी। चाहे अर्जुन को पसंद करे ना करे, मुझे अर्जुन बहुत अच्छा लगता।
मुझे करण की याद आती। मैंने एफआईआर लिखवा दी है, मेरा काम हो गया ना? लेकिन हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ है। हमने उन गुंडों को देख लिया है, वो राजा और विष्णु ही हैं, फेमस सुपारी किंग। लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि वो लोग रॉबर बनके रॉबरी करने आएंगे और उसका नतीजा ये निकलेगा। क्या मैं उनसे एक बार जाके मिल सकता हूँ? नहीं। देखिए वो मैं जानता हूँ वो मेरे कुछ लगते नहीं है, ना फैमिली ना दोस्त, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर अटैक किया है। इतना तो हक बनता है एक बार उनसे जाके मिलने का। ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। थैंक यू सो मच। सर तुम इन्हें अंदर लेके जाओ। ओके सर, चलिए। आइए सर। सर ये रहे गुंडे। और हाँ सर, सिर्फ 10 मिनट। ओ, तो फाइनली तुम आ गए। चलो चलो अब जल्दी हमें यहां से निकालो। गधो, तुम लोग यहीं रहने के लायक हो। क्यों चले गए थे लूथर हाउस? तुमने हमारे पैसे दिए नहीं, हम लूथर हाउस चले गए, हमें डबल पैसा कमाना था। अच्छा, लूथर हाउस पहुंच गए बिना कोई प्लान होना और सीधा पकड़े दिखा। अनबिलीवेबल, ये अर्जुन इन गुंडों को जानता है? मतलब कैसे? मैंने तो इन गुंडों का फोन नंबर भी नहीं लिया। अरे मुझे क्या पता था ये टुच्चे गुंडे मेरे बाद में भी काम आने वाले। नंबर ले लेना चाहिए था। सब गड़बड़ हो गई। पर नहीं, अब आगे कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम सवाल जवाब मत करो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हारे और ऋषभ लूथरा के बीच में चल क्या रहा है? आज तुम ऋषभ लूथरा की पार्टी में खुशियां बना रहे थे और कल तक तुम ऋषभ लूथरा को मारना चाहते थे। ऋषभ को कभी मारना नहीं चाहता था, कभी नहीं कहा मैंने ऐसा। मैं उसे थोड़ा सा हर्ट करना चाहता था, यही कहा था मैंने। अरे छोड़ो मिस्टर अर्जुन, तुम्हारे बार बार झूठ बोलने से सच छुप नहीं जाएगा। सच यही है कि तुम ऋषभ लूथरा को मारना चाहते थे और तुमने मुझे उसकी सुपारी दी थी। हाँ सुपारी दी थी, उसे सिर्फ डराने की सुपारी दी थी। मैं उसे कभी जान से मारना नहीं चाहता था, समझे तुम? सुपारी देने का मतलब ही होता है जान से मारना। और तुमने ऋषभ लूथरा के नाम की ही सुपारी दी थी? हाँ। अरे चुप कर दो सर, कुछ बोलना था मतलब इन्हें बोलने दीजिए पहले। अर्जुन भाई, मैंने आपका बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, इंस्टेंटली गॉट दैट। आप कुछ नहीं करते हो तो भी सब कुछ कर जाते हो, और हम लोग सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। मुझे अच्छी तरह से याद है आपने उस दिन अपने घर में ही हम जैसे लोगों के ऊपर खच्चे उड़ा दिए थे। अर्जुन भाई, अगर आपके पास हमारे जैसे सुपारी वालों के लिए कोई वैकेंसी होगी तो मुझे प्लीज बताइएगा। मतलब कि बोले तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। काम तो मैं तुम सब लोगों को दूंगा। आई मीन एक ऑफर है, एक्सेप्ट कर लो, तुम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ऑफर? कैसा ऑफर? ऋषभ की सुपारी के लिए जो तुम लोगों को मैंने पैसे देने का वादा किया था, तुम लोग उसे भूल जाओ। और दूसरी बात, तुम लोग की बेल करवा दूंगा मैं। मैं नहीं, मेरा बंदा आके तुम लोग की बेल करवा देगा, तुम लोग को छुड़वा देगा। उसके लिए मैं क्या कर लूंगा? गुड क्वेश्चन। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि अदले के बदले कुछ करना पड़ता है, और इसके बदले मुझे तुम्हारी थोड़ी सी समझदारी चाहिए। वादा करना होगा कि कोई किसी से मिलेगा नहीं। हम क्यों करें? हाँ, पहले तो तुमने ऋषभ को चोट पहुंचाने की कोशिश की, और ऊपर से हमारे पैसे भी नहीं है, और तो और तुम्हारी वजह से हमने उसके घर पर अटैक किया और हमने प्रीता को भी मारने की कोशिश की। विष्णु ने तो बोला ही था बॉस को कि ऋषभ लूथरा के सामने तुम्हें एक्सपोज कर देते हैं, उसे बता देते हैं कि जिसे वो अपना दोस्त समझ रहा है ना, वो दोस्त नहीं है, आस्तीन का सांप है, दुश्मन है, दुश्मन। लगता है तुम लोगों को जेल में सड़ने का बहुत शौक है। कोई बात नहीं, सड़ो। मगर जाते जाते एक बात कह देता हूं, तुम लोग मेरे खिलाफ किसी को कुछ भी कह लो, कोई यकीन नहीं करेगा तुम्हारी बात पर। पूछो क्यों? क्यों?
क्योंकि अभी तुम्हारे खिलाफ मैंने जो एफआईआर लिखवाया ना, सबको पता चल जाएगा कि तुम सिर्फ मेरा नाम लेने की कोशिश कर रहे हो। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। एनीवेज सायोनारा। वेट 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 रुको। जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। आप अंडरग्राउंड होने के लिए बोलोगे हो जाएंगे। अरे हम आपको जानते भी नहीं, आपकी फैमिली को नहीं जानते। आप कौन हो हमें नहीं पता, हम किसी को नहीं बताएंगे। गुड, वेरी गुड।